एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो शाम का टाइम है, आज मैं आपका हैवी इंटरव्यू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो शाम को क्या क्या मैं करती हूँ, तो आज मैं आप लोग के साथ बिफोर मिल्किंग भी शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं सबसे फर्स्ट ऑफ लेने आई हूँ धनिया की पत्ती। मेरी धनिया कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और यहाँ पे है सारी गोभी है, और ये सारी सरसों, इधर सारा गेहूँ। वो गोभी का फूल मैं काट ली थी, लेकिन गोभी का पेड़ नहीं कटी। वो शाम की मतलब सोचा जा रहा है कि चोखा बनाया जाए। आज है 15 जनवरी, हाँ आज 15 जनवरी है। तो यहाँ पे मैं धनिया पत्ती ले लेती हूँ, तब उसके बाद चलूंगी भैंसों के मम्मी का काम। पहले अपना काम फिनिश करती हूँ, तो मम्मी लोग का काम फिनिश करवाती हूँ, उसके बाद मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करती हूँ फोल्डर्स के साथ काम करने में। मतलब उन लोग को पानी डलवाती हूँ, भूसी आटा जो जो लगता है वो मैं देती हूँ। तो चलिए पत्ती लेकर चलती हूँ, तब मिलती हूँ। सबसे पहले मैं अब धनिया पत्ती लेकर आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं करूँगी क्या, इनका कवर चेंज जो रही है ये चेंज करूँगी, और इसका वाला वो उड़ाऊँगी। इसका वाला पता नहीं क्या, मैं छोटे वाले का इसको उड़ा दी थी, और बेचारी को ठंड लग रही है, थोड़ा सा गर्म की थी और मैंने हटा दिए, और पता नहीं कहाँ पे है। तो इनको उड़ा के सो जा। अच्छा, उसका वाला अंदर रखा गया है, तो अंदर बांध दी गई थी। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, पशुओं को खास कर ख्याल रखना पड़ रहा है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों नहीं उड़ती हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी है मौसम से देखो कैसे देख रही है। आ गई बाबू लेकर, मैं परेशान नहीं होना है, देखो अब नहीं देख रही ना, पहले कैसे मुझे देख रही थी, गुस्से में घूर रही थी। नो, बैठ जाओ अभी अंदर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं भैंसों को कुएर पानी के साथ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैंने सुबह से ब्लॉग मैंने सुबह थोड़ा सा बनाया था, 2-2.5 मिनट का, तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। ठंडी ने एकदम हालत खराब करके रख दी है, एकदम बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, और टाइम हो रहे हैं 4:30। मैं चल रही हूँ भैंसों को कुएर पानी करवाने, मम्मी को पानी देने। तो पानी देने के बाद तब हम लोग फटाफट से करेंगे काम फिनिश। वेदर एकदम धुंधला धुंधला सा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और इसको सुबह बहुत तेजी से ठंड लगी थी, हाथ पर पटक रहा था। तो यहाँ पे हो रहा है कुएर पानी, तो फटाफट से चलते हैं भैंस लगवाने। उस बेचारे को ठंडी लग रही है बहुत बहुत बहुत, अंदर बाधा गए थे, फिर अभी भी खाने के लिए निकल गए, फिर भी उसे ठंडी लग रही है। यार ठंडी धूप निकली नहीं रही थी, कल भी नहीं निकली धूप, थोड़ा सा भी मतलब 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकली, और आज भी 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकली है। अब कल क्या होगा राम जाने, यही सोच रहे हैं कल धूप निकल जाए, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि 9 दिन तक धूप ही नहीं निकलेगी। तो देखते हैं, भगवान ऊपर वाला जो चाहेगा वही करेगा ना, ऊपर वाला का भरोसा है। सो कोल्ड, और किचन का सारा काम खत्म हो गया है, बस ऊपरी लकड़ी यही सब, इधर काम थोड़े से करने हैं, छोटे मोटे काम, और ये लोग ऐसे नाचते जाते हैं। चाहिए, रुको एक मिनट।
ठंडी लगता ठंडी ठंडी सोगाज आप किचन की हालत देख सकते, एकदम खस्ता पड़ी हुई, एकदम खराब हुई है। किचन में 2-3 दिन से मैंने पोछा नहीं मारा है। किचन मतलब क्लीन है, झाड़ू मारती हूँ रेगुलर 2 बार, लेकिन पोछा नहीं मारा। यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा था तो लग रहा है मम्मी पोछ दी है, और कुछ पोछा ओछा नहीं गया है। भैंस वैस लग गई है, जैसा कि आप पीपल मिल्किंग देख ही चुके। अच्छा, कौन कौन यहाँ तक आया है पता नहीं, कौन कौन आया है, जो आया हो तो कमेंट जरूर करना भैया। और यहाँ पे है सारा किचन, कौन कौन मेरा किचन टूर देखना चाहता है, अगर कोई चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अपना किचन टूर डालूंगी। और सूजी का लड्डू अभी मैंने खाया नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने रख दिया है, ना कोई फ्रिज है ना कुछ। और यहाँ पे है सूजी का लड्डू, नीचे है रेवड़ा, उसके नीचे चिवड़ा, और थोड़ा सा सूजी का लड्डू यहाँ पे है, थोड़ा सा नहीं ढेर सा है। और यहाँ से मैं लूंगी ये, क्योंकि अभी मैंने ट्राई नहीं किया कैसा है कैसा नहीं। तो यहाँ पे बर्तन रखे हैं, बर्तन को कर लेती हूँ सीट करना है, नहीं तो चूल्हे महाराज बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, बर्तनों में घुस जाते हैं। और गिलास को मैं रखूंगी यहाँ ऊपर ऊपर, मोबाइल कैसे पकड़ लूंगी मैं, मोबाइल क्या है कि एक हाथ से लड्डू और दूसरे हाथ से पकड़ी हूँ मैं मोबाइल, इसलिए थोड़ी सी हो रही है प्रॉब्लम। पानी को गिराऊं नीचे फेंको इससे, तो यहाँ पे सब तो रख दो। और ये ले लो कटोरी, तो कटोरी नहीं ए, इसे हमारे यहाँ बोलते हैं मौनी मौनी मौनी। ये बेटा रही नहीं, ये बेटा नहीं रहेगी, मैं खोजूंगी एक प्लेट। प्लेट कहीं दिख रही है आप लोग को? अगर कहीं दिखिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, तब मैं लेकर खाऊंगी। नहीं भैया मिलेगी नहीं, पता नहीं, यहाँ पे मैंने सूजी फ्राई की थी तो डिब्बा यहीं पे भूल गई, तो यहाँ पीछे रखेंगे पीछे, कोई खाता नहीं घी। अब कुछ फ्राई करना होगा तभी मिलेगा। मैं सोच रही कटोरी सूखी है, वो भी सूखी नहीं है, तो खोजते हैं ऊपर है। भैंस लग के आ गई, तो ढक दूं, कटोरी कहीं भी नहीं दिखी, छोटी वाली ऊपर है लेकिन थोड़ी सी गंदी है। कोई नहीं यार, एडजस्ट करना सीखो, यहाँ से एडजस्ट करो।